आगामी 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इस रैली को सफलता को लेकर के रविवार को आयोजित कांग्रेस के रोड शो में पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह के साथ मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश सिंह ने अनंत सिंह को मजबूत आदमी बताते हुए उनकी तारीफ भी की। आपको बता दें कि अनंत सिंह ने पहले ही मुंगेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने मुंगेर में रोड शो किया था। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक पप्पू खान की पहल पर अखिलेश सिंह और अनंत सिंह इस रोड शो में शामिल हुए। रोड शो पटना सिटी के मंगल तालाब से आरंभ होकर पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम तक आयोजित किया गया। इसमें माध्यम से जनता से राहुल गांधी की रैली में शामिल होने की अपील की गई। इस दौरान जिस तरह की भीड़ सड़क पर इकट्ठा थी, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि राहुल गांधी की पटना में होने वाली रैली काफी सफल दिखेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अनंत सिंह और अखिलेश सिंह दोनों एक ही गाड़ी पर सवार हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो 3 फरवरी को होने वाले पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी की रैली में शिरकत करें। राजधानी पटना की सड़कों पर इस तरह से खुल्लम खुल्ला कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह और मोकामा विधायक अनंत सिंह के एक साथ आने से एक बात तो क्लियर हो गई है कि कांग्रेस की तरफ से अनंत सिंह की एंट्री पक्की है। जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से उसके ही टिकट पर मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात अनंत सिंह कहते रहे हैं और आज एक बार फिर से 27 जनवरी को अनंत सिंह कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने की बात कहते नजर आए। उन्होंने दावा ठोका कि वो मुंगेर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।